अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम योर चैनल द रियल एक्सपीरियंस, और मैं हूं काशिफ। और आज की वीडियो एक बहुत ज़बरदस्त होने वाली है उन सब के लिए जो यहां पे आने की प्लान कर रहे हैं, और बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में हैं। क्योंकि आज मैं यहां से गुजर रहा था अपने एरिया से ही, तो मुझे एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया जो कि मेरे साथ ही समझे विजिट पर आया था। तो हम लोग की जर्नी एक साथ ही स्टार्ट हुई थी, तो मैं उसको खींच पर अपने घर पर ले आया। ठीक है, तो मैंने कहा थोड़ी सी उसके साथ डिस्कशन कर लेते हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदे देगी। हाफिज़ साहब, इधर इधर यार, इधर वीडियो बना रहे मेरे भाई। ये भाई मेरे बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं, ठीक है, और हमने बहुत अच्छा टाइम भी गुजारा है, और काफ़ी अर्से से हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन ये कि इनका नाम फैसल है, बहुत मशहूर भी हैं भाई टिकटॉक पे। आप मतलब ये कि जब मैं आगे मशहूर हो जाऊंगा ना, और ये वीडियो देखेगा तो इनकी टिकटॉक पर ज़रूर देखेगा, इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, 20-25 हज़ार तो होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अपने बारे में पहले अपने इंट्रोड्यूस कर लें। ठीक है, आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान में कैसे आए, कब आए थे? जी बिल्कुल काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं बहुत खुश हुआ कि आपने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं इंट्रोड्यूस करूँगा अपने आप को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाकिस्तान से हूँ और लाहौर से मेरा ताल्लुक है, और मैं विजिट वीज़े पे इधर आया था, और बस यही उम्मीदें थी कि जो है ना, कुछ खौफ भी था कि पता नहीं पाकिस्तान का एक्सपीरियंस यहाँ पर अकाउंटेबल है कि नहीं है। वो से लोगों में ये बात है कि भाई पाकिस्तान का एक्सपीरियंस काउंटेबल नहीं होगा, हम पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ज़ाहिर है ये मेरे में भी था और हमें भी होगा, बट उसमें ये है कि जब आप आते हैं ना स्टार्टिंग में, तो आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बट ये पॉजिटिविटी लेके अपने अंदर आनी है। मैं आया था महीने के एक विज़िट के ऊपर, और डे बाई डे जो है ना वो जो है बढ़ता जा रहा था अग्रेसिवनेस के, यार पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं, स्ट्रगल भी कर रहा था। तो उसमें यह हुआ कि स्टार्टिंग मैंने किया, सीवी वगैरह अपनी अच्छी सी बनाई, लोगों से डिस्कस किया कि सीवी को कैसे बनाना है, यहाँ पर अकाउंटेबल कैसे, क्योंकि पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर और वहाँ का प्रोफेशनलिज्म डिफरेंट है थोड़ा सा इधर से, इसीलिए यहाँ के लोगों से कुछ मैंने पूछा, और कैफेटेरिया से जो लोग वो सीवी ज़ाहिर है वो बनाते हैं, उनको प्रोफेशनल सीवी का भी पता था, कुछ मेरे पास भी आइडियाज़ थे, मैंने वो अपना एक्सपीरियंस ऐड किया एक्सपीरियंस सीवी के ऊपर। फिर स्टार्ट किया सीवी डिस्ट्रीब्यूट करना, जहाँ पर मिलता था सीवी करता था, बाई ईमेल भी सेंड करता था, वॉकिंग इंटरव्यूज़ भी देता था, कहीं से कॉल्स आईं कहीं से नहीं आईं। तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था फूड लाइन का, तो फूड लाइन में आपको पता है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा तो होती हैं, मगर कंपटीशन बहुत है ही होता है, को आपको आपके लेवल के मुताबिक जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता। बट ये कि मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस था और इंटरनेशनल भी था। तो बाकी फिर स्टार्ट किया मैंने, एक दो जगह इंटरव्यूज़ हुए, तो काशिफ साहब मेरे साथ थे उस टाइम पे, काशिफ साहब ने भी मोटिवेट मुझे बहुत ज़्यादा किया, तो मैं बहुत खुश था इस मामले में। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर तकरीबन 2 से 3 इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आईं, जो मैंने वहाँ जाके, एक दो वॉकिंग इंटरव्यूज़ थे, एक जो मैंने खुद जाके ऑफिस में सबमिट किया सी वी, उन्होंने मुझे कॉल कर लिया, वहाँ जाके इंटरव्यूज़ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ जैसे वो फाइनलाइज़ हो गए थे इंटरव्यूज़, उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ज़ाहिर है आप अच्छी सैलरीज़ की तरफ ही जाएँगे, ज़ाहिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनसे भी डिस्कस किया, काशिफ साहब से भी, इन्होंने मुझे अच्छा एक गाइडलाइन दी थी। तो ज़ाहिर है अब जब कोई आप साथ नहीं होता यहाँ पर, तो आप फिर कन से भी मशवरा कर सकें भाई जी, कन साहब मुझे बता दें कि मैं क्या करूँ। मैं इनकी बात में ऐड करूँ कि ये यहाँ पे 28 डेज़ का एक महीने का वीज़ा होता है, उस पर आए थे, ठीक है, और जो कि बहुत रिस्की होता है, और मेरे पिछले वीडियोस में आपको बताया भी कि 3 महीने के वीज़े पे आना चाहिए, लेकिन इतना प्रेशर लेना ही हर किसी की बस की बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने प्रेशर भी लिया और जॉब भी हासिल की। और दूसरा सबसे बड़ा प्रेशर था कि दुबई में नहीं आए थे, ये अबू धाबी में आए थे, एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट अबू धाबी में जॉब ढूंढना, क्योंकि आपको इंटरव्यूज़ के लिए दुबई में जाना पड़ता है, और ये 2014 में आए थे जब कोई ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होते थे जो आजकल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं तो इनको सल्यूट ही करूँगा कि मैं तो खुद दुबई में आया था, अबू धाबी में जॉब हासिल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने मुश्किल चीज़ को भी बड़ी आसानी से हैंडल किया, बाहर तो लग रहा है बड़ी आसानी से हैंडल किया, लेकिन इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी एक्सपीरियंस है जो पाकिस्तान में इन्होंने, इनका जो काम आया यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐड करूँगा काशिफ एक बात, सबसे पहले ये कि आपका एतकाद जो और एतमाद वो अल्लाह पर, और आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ होती हैं, तो आप कामयाब ज़रूर होते हैं, और स्ट्रगल लाजमी होती है, स्ट्रगल के बगैर आपको कोई नहीं। और एक और चीज़, आपको यहाँ पर बहुत से लोग मिलेंगे, यार मैं मुझे दे दो सीवी, मैं सबमिट कर देता हूँ, आपको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आ जाएगी, करें उन पर डिपेंड करें, मगर इतना डिपेंड नहीं करना कि बस आप वो सीवी उसको दे दी, बैठे रहे रूम में, अब इंतज़ार करते रहे कब आएगा। आपने स्ट्रगल कैरी ऑन रखना है, सो डैट यू विल गेट थ्रू।
बिल्कुल सही। और 2004 आपसे एक और सवाल करना है कि 2014 में जब आप आए थे उस वक्त क्या सिचुएशन थी यूएई की, और आज 2021-22 आ गया, तो अभी जो लोग आने वाले नए, तो आप उनको क्या बोलेंगे, क्या डिफरेंस है, क्या उनके लिए आसानी है या उस वक्त आसानी थी? क्योंकि लोग ये कहते हैं ना, पहले के लोग अच्छे तैयार रह गए कि यार उनके लिए तो आसानी थी, अभी मुश्किल हो गया, कॉम्पिटिशन लेवल हाई है, जो भी है। हाँ, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, कंपटीशन अब और हाई हो गया, क्योंकि पहले जो था बिज़नेस का ग्रोथ हाई था और लेवल भी अच्छा था और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा थी, आप कहीं ना कहीं क्लिक कर जाते थे। अब ये कंपटीशन इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि जो आपके हाई प्रोफेशनल तो हो गए, वो इतने लो लेवल पे आके भी जॉब्स कर रहे हैं, जिससे जो लोअर से लोअर तबका है उसे भी अफेक्टेड हो रहा है। मगर ये डिपेंड करता है आपके प्रोफेशनल पे, आप कौन सा प्रोफेशनल पे काम कर रहे हैं। जैसे फूड लाइन है, आप देखें कोविड की वजह से फूड लाइन तो बंद नहीं हुई, ठीक है, कपड़े बंद तो नहीं हुए, तो इस तरह के जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं उसमें आप जो गेट कर सकते हैं, बट ये कि आपकी रिक्वायरमेंट वो मे बी के ना पूरी हो, मगर आपको जो मिल सकती है यहाँ पर आप आएँ तो। और सेकंड ये चीज़ होती है कि इंसान का रिजल्ट जहाँ लिखा होता है ना भाई, वहाँ उसको मिल के रहना होता है। जैसे आप आएंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अल्लाह पे ही लगा था। यहाँ पर आपको आपके रिलेटिव भी होंगे, आपको वो कहेंगे जी, कुछ डिमोट भी करेंगे, कुछ मोटिवेशन भी करेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा रूम जहाँ आप रह रहे होंगे वो भी एनवायरनमेंट आपको मिल पता चल जाएगा, उसमें से भी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे लेके चलना चाहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना, किसी भी कंट्री से आप जाए, किसी कंट्री में आपने जाना है, यूरोप कंट्री में जाना है, कोई भी, उसकी लैंग्वेज मस्ट सीखें। अगर आप एक्सपीरियंस आपका लेस है ना, तो आप लैंग्वेज में मास्टर है ना, यानी कि आपको 80% भी आती है, तो यू कैन बी सर्वाइव, यू कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही, तो ये चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है काशी। बिल्कुल सही, और यहाँ पे लैंग्वेज जो है ना नंबर वन, वो इंग्लिश है, आपको आनी चाहिए जी। और इसके बगैर बड़ा मुश्किल है, हम लोगों को इतनी नहीं आती थी इंग्लिश, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे विजिट वीज़े के अंदर इंग्लिश भी सीखी, और विजिट वीज़े के अंदर ही सब कुछ हमने मैनेज किया, क्योंकि हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज आप लोगों को बताने वाले यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है, सही बात है, हमारे टाइम पे तो कोई था ही नहीं, सीधी सी बात है। तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बाकी मैं यही ऐड करूँगा, भाई सारे आए, किसी की बात ना माने, आप अपने आप को ज़रूर आजमाएं यहाँ पर आके, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और जब तक आप आजमाएंगे नहीं अपने आप को, कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, चाहे वो आपका सगा भी है। बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात ये कि मेरा और फैसल का यहाँ पे कोई भी नहीं था, हम लोग अननोन लोगों में आए थे, सही है ना? मेरे ख्याल से शायद यही की टू सक्सेस है जो ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों को बस डिपेंडेंट, कोई हम किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, और जो थे भी ना वो भी ऐसे गायब हो गए थे, ऐसे हमने उधार ले लिया। एक जादू है ना भाई, उधार एक जादू है, दो दो गायब हो जाते हैं, तो वो ऐसे गायब हो चुके थे। तो शायद ये अच्छा था हम लोगों के लिए, अच्छा हो गया, ठीक है, कि हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया इस चीज़ से कि भाई सब कुछ चीज़ें अकेले कैसे करनी है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को बोलो, किसी आसे में ना रहें, बहुत से लोग आश्रय देंगे, लेकिन एट दी एंड आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से एडवाइस है, और हाफिज़ साहब जाते हुए कुछ दो अल्फाज बोल रहे हैं। मैं यही दुआ करूँगा आपके लिए कि जो भी कोई यहाँ पर आना चाह रहा है वो ज़रूर आए, ठीक है, अपनी किस्मत आजमाए और प्लानिंग करके आए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें ना, तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है आप ये इरादा करें कि आपने आना है। सेकेंड चीज़ जो आपका प्रोफेशनल, उस पर आप उसके ऊपर फोकस करके आएँ। थर्ड चीज़ लैंग्वेज है। ये तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। और हमारी दुआ भी आपके साथ है, जितने भी पाकिस्तानी भाई या किसी भी बांग्लादेश से, किसी भी जो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो आए, हम भी उनके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरे काशी भाई जो हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे, इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मैंने भी ऑलरेडी किया हुआ है, मैं इनसे इन्फॉर्मेशन, ये मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर थे भाई, गोल्डन सब्सक्राइबर में से एक हैं, इनको इनाम मिलेगा जब लाख हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। और थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया काशी साहब, आपने मुझे थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, इनके साथ और भी मजीद वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और फिलहाल के लिए हमें इजाजत, थैंक यू वेरी मच।